हाय फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बाहर। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे सबने क्रिसमस पे अपनी अपनी शॉप डेकोरेट की है। और कल यहाँ पे बर्फ़ गिरी थी, उसी के बाद जल्दी से बारिश हो गई, तो बर्फ़ जमी नहीं है लेकिन ठंड बहुत हो गई है। तो 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अब सब कुछ कान वान ढक के ग्लव्स पहन के बाहर निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाहर कितने कम लोग हैं। और ये जो चेयर्स हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग सुबह पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आते थे और अब ये सब खाली है। कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं कि लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, और इस बारी क्रिसमस पे इतनी कोई सजावट भी नहीं करी हुई है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सर्दियों में पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से सारे पत्ते झड़ गए हैं और पेड़ इस तरीके के हो जाते हैं। अब मैं घर वापस जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। तो देखिए ये सामान मैं लेके आई हूँ, ये कुछ खाने के लिए स्नैक्स लेके आई हूँ, ये चिप्स हैं, और ये जैसे आजकल ठंड हो गई तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ, अखरोट, और ये है नूडल्स। यहाँ मैगी नूडल्स तो नहीं मिलते, ये भी वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल नूडल्स हैं। और ये है कुसकुस, ये भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये कुछ सामान लेके आई थी मैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने जो नूडल्स है वो कैसे बनाती हूँ। मैं वेजिटेरियन नूडल्स लेके आती हूँ, लेकिन बाद में मैं जैसे उसे अपने तरीके से बना लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर ये वेजिटेबल डालने वाली हूँ, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और मिंट के कुछ पत्ते। ये मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर। अब मैंने इसमें ये ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दी है क्योंकि मुझे पसंद है, और नूडल्स के साथ जैसे आपका कभी कभी पेट दुखने लगता है तो इससे पेट नहीं दुखेगा। इसको लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, इनको भी बहुत पकाना नहीं है, हल्का ब्राउन करना है। जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। और ये सब मैं सिम गैस पे कुक करती हूँ, तो आप देख रहे होंगे इनका रंग थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, तभी आपको अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, ये भी बहुत बारीक बारीक काटनी है ताकि ये जल्दी गल जाए। अब इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी डाल दी है, ये भी मैंने बहुत बारीक काटी है ताकि जल्दी ये पक जाए, अच्छे से हम ये मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मटर या कोई भी वेजिटेबल जो आप पसंद करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी, ये सेकंड। अब जब पानी थोड़ा बॉईल हो जाए, होना स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर अपने नूडल्स डालूँगी। पानी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बॉईल होना शुरू हो गया है।
तो अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। मैं जैसे ज़्यादातर नूडल्स सर्दियों में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ठंड होती है ज़्यादा, इसलिए गरम गरम जैसे कुछ खाने का मन करता है। तो आप कोई भी वेजिटेबल जैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं बदल बदल के कभी कोई डाल लेती हूँ कभी कोई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नूडल के पैकेट के अंदर कौन से मसाले थे। तो देखिए उसके अंदर ये पैकेट निकला है, इसके अंदर ये चार पैकेट होते हैं। ये है सब्जियों को सूखी जो सब्जियां ड्राई वेजिटेबल हैं। ये बम्बू का ऑयल है और ये पाउडर वेजिटेबल पाउडर है फ्लेवर के लिए, और ये चिली पाउडर है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए इंडियन शॉप से मैगी मसाला लेके आती हूँ, मैं ये डालती हूँ। और ये मेंट की लीव्स मैंने डाल दी हैं, जो मेरी मम्मी ने गार्डन में मेंट का एक पौधा लगाया हुआ है, तो मैं वो यूज़ करती रहती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी केचप भी डाल दी है, मैं पहले ही थोड़ी सी केचप इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, जैसा मतलब आप चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आखिरी में मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, ग्राइंड किया हुआ चीज़। ये गर्म होने की वजह से हल्का हल्का मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप भी सब ट्राई करना। तो फ्रेंड्स हमारे नूडल हैं रेडी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी यम्मी लग रही है। तो ये लीजिए, आप सब भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, हम मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, चाओ चाओ।